ये हमारे पहले चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है। बड़ी खुशी मिल रही होगी बहुत सारे लोगों को कि हाँ चलो अब निपट रहा है ना। ठीक है, खुशी में व्यवधान नहीं डालता हूँ मैं भी, जल्दी से इसको निपटा देते हैं। निपटाना इसको बहुत आसान इसलिए भी है, इसमें पूछा क्या गया है, पहले गणित में प्रश्न को समझना बहुत जरूरी होता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है कि ये तीन आपको संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, ये तीनों संख्याएं, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसको आप p बटे q अवस्था में लिख सकते हो, तो हम किसको लिख पाते हैं, जो परिमेय संख्या होती है। इसके बाद हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी परिमेय संख्याएं हैं, हो सकता है कोई भी ना हो सकता सारी हो, अभी हम देख लेंगे, जो भी परिमेय संख्या है उसको p बटे q अवस्था में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो q है आएगा, जो q मतलब क्या होगा, जो उसमें हर होगा, उस हर की प्रकृति क्या है, उस हर के बारे में हम कुछ कह सकते हैं क्या, कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या, ये पूछा गया है। ठीक है, करते हैं। ये आपके एक ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार रुक जा रहा है, 9 तक गया उसके बाद से रुक गया, यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, कोई भी शांत दशमलव प्रसार तो डेफिनेटली पी बटे क्यू की अवस्था में लिखा जा सकता है। कैसे, आप कहोगे इसमें तो क्या करना है, आपने बटे कर दिया, दशमलव के नीचे एक लिख दिया, उसके बाद से जितने भी अंक आ रहे हैं दशमलव के बाद सबके लिए आप शून्य लगा दीजिए और इस दशमलव को उड़ा दीजिए, दशमलव गया उड़ आगे सारे शून्य, तो ये पी बटे क्यू अवस्था में हो गया। ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, ये आपका उत्तर हो गया। इसका मतलब ये, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार था, कैसा था, शांत, इसलिए डेफिनेटली निश्चित रूप से पी बटे क्यू अवस्था में लिखा जा सकता है। अच्छा, अब यहां पे दूसरी बात क्या पूछी गई थी कि ठीक है इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गई, बिल्कुल हो गई, और पी बटे क्यू में लिखा जा सकता है, तो इसके क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो, बोलो। हम लोगों ने अपने पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या देखा था, उसमें देखा था कि क्यू जो होगा यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ 2 की घात m और 5 की घात n इस तरह का नंबर होगा, ऐसा संख्या होगी जिसको सिर्फ 2 की घात और 5 की घात के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है, कोई और अभाज्य संख्या यहां पर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ ये होगा, जहां पर m और n क्या है राजा बाबू, m और n है आपके अभाज्य, सॉरी होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक आ गया, तो यहां पर हम लोगों ने इसका पूरा पोस्टमार्टम कर डाला, सब कुछ हमें समझ में आ गया। यहां पे आ जाते हैं, यहां पे देखो यार एक पैटर्न बन रहा है, साड़ी होती है ना, साड़ियां है ना, चादरें होती है घर में, उनमें भी एक पैटर्न बन रहा होता है, कुछ डिजाइन बन रही होती है, वैसे एक डिजाइन यहां पर बन रही है, वो डिजाइन क्या है, आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, दशमलव के बाद 1 2 0, फिर क्या लिखा हुआ है 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, फिर 1 2 4 0, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहां पर कि हाँ दशमलव 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0, इस तरह का जो पैटर्न बन रहा है हम उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, हम उसको देख पा रहे हैं कि हाँ आगे क्या आएगा हम वो भी बता पाएंगे, हम एक प्रिडिक्शन कर पाएंगे। जैसे पाई है, पाई में जो पैटर्न बन रहा होता है वो हम नहीं बता सकते, पाई में क्या आता है यार 3.14169 2 6, हम नहीं बता पाएंगे कि आगे क्या आएगा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक नहीं बनता है, कोई भी पैटर्न नहीं बनता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे इरेशनल नंबर्स में कोई पैटर्न ना बने, पैटर्न बन सकता है, लेकिन पैटर्न जब रिपीट कर रहा हो, जैसे कि ये देखो अभी इसको छोड़कर यहां पर आ जाओ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो संख्या लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है यार 43.12345678 9, ये लिखा हुआ है क्या, तो आपको क्या इसको और इसको अंतर क्या रहा, ये तो एक ही रहेगी ना, यहां से मैंने दशमलव बढ़ा दिया, तो सॉरी यहां और यहां में क्या अंतर है, अंतर ये है कि यहां पर ये अंक फिर से रिपीट करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये भी कभी खत्म नहीं होगा और ये भी खत्म नहीं होगा, तो ये दोनों कभी कभी खत्म होने वाले नहीं, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को, दशमलव प्रसार को हिंदी में क्या बोलते हैं, अशांत है यार, ये शांत नहीं बैठेगा, अशांत और शांत अलग है थोड़ा सा, लेकिन मान लो शांत नहीं बैठेगा, ये चलता ही रहेगा और ये भी चलता ही रहेगा, तो दोनों अशांत हो गए, लेकिन दोनों के अशांत होने में भी एक अंतर है, अंतर है। अच्छा ये मैंने पाई का लिखा हुआ था, चलो ये भी बता दूंगा आपको क्यों लिखा था, ये बताता हूं मैं आपको अभी, ठीक, लेकिन अभी यहां पर फोकस कर लो, यहां पर क्या हुआ कि ये अशांत तो है लेकिन इसमें आप कुछ अंक रिपीट कर जा रहे हैं, देखो 1 से 9 तक आया था, वो फिर से 1 से 9 तक आ जाएगा, फिर से 1 से 9 तक आ जाएगा, तो इसका मतलब इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, आवर्ती है, यानी कि कुछ चीजों का रिपीटेशन हो रहा है, इंग्लिश बोलते हैं उसको रिकरिंग, तो जब ये आवर्ती है तो ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो लेकिन आवर्ती हो, क्या हो, अशांत तो है लेकिन साथ में क्या है, आवर्ती है, तो ऐसी संख्याओं को भी हम लोग परिमेयीकरण में परिमेयीकरण कर सकते हैं, उसको परिमेय संख्याओं में लिख सकते हैं, जहां पर p बटे q अवस्था में आ जाएगा, और जहां पर जो q होगा ना, q मतलब क्या, q बोले तो
हर है ना, एम बोले तो मुन्ना भाई वाला याद कर लो, क्यों बोले तो क्या हर, और हर जो होगा यहाँ का वो क्या हो जाएगा, दो की घात एम और पांच की घात एम, इसके साथ साथ किसी और तरह से किसी और तरह की अभाज्य संख्या इसमें डेफिनेटली आ रही होगी, सिर्फ दो की घात एम और सिर्फ पांच की घात एम नहीं होगा, कुछ और भी होगा, दो और पांच नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन कोई ना कोई जैसे तीन है, सात है, ग्यारह है, तेरह है, सत्रह है, 431 है, 433 है, बड़ी 149 है, हम लोगों ने आज देखा था, तो कोई भी प्राकृतिक कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। तो यहां पर गुणे कोई और अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे एक बात यहां पर कि सर आप बोल रहे हो दो और पांच नहीं बोल सकता, तो आपने दो की घात पांच और पांच, दो की घात एम और पांच की घात एन क्यों लिखा, क्योंकि यार इसमें एम और एन पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या में शून्य भी आता है, अब दो की घात शून्य और पांच की घात शून्य कर दोगे तो एक ही तो मिलेगा है ना, तो वो ऑलरेडी कवर्ड है इसमें, दो की घात पांच, दो की घात एम और पांच की घात एन में शून्य शून्य भी आ सकता है, मतलब एम और एन शून्य हो जाएगा तो एक मिल जाएगा आपको, ठीक है, कोई और अभाज्य संख्या यहां पर होनी ही चाहिए। इसका मतलब आपने इसका भी पोस्टमार्टम करके क्या बता दिया कि ये तो आसान था, वर्ती है, इसको पी बटे क्यू में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू जो यहां पर हर है वो क्या होगा, दो और पांच की घात अगर होगी भी तो हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई दूसरी अभाज्य संख्या जरूर होगी। यहां पर हो गया, यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक पैटर्न बन रहा है लेकिन अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं कि उतने ही अंक फिर से आते चले जाए, इसलिए ये जो दशमलव प्रसार है वो आसान तो है, एक पैटर्न बन रहा है लेकिन वो पैटर्न ऐसा नहीं है जिसमें अंक रिपीट कर रहे हो उतने ही अंक, तो ये क्या हो गया, अनावर्ती हो गया, क्या हो गया, अनावर्ती, और अगर अशांत और अनावर्ती होता है ना राजा बाबू और रानी बिटिया तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है इसको आप पी बटे क्यू अवस्था में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गई, ये हो गई अपरमेय संख्या। अच्छा ये बताइए तो इसके क्यू की प्रकृति क्या होगी, है ना, क्यू कैसा होगा इसका, अरे भाई जब ना रहेगा बांस तो क्या बजेगी बांसुरी, है ना, जब पी बटे क्यू में लिखा ही नहीं जा सकता है तो इसमें क्यू क्या रहेगा, जब क्यू रह ही नहीं गया तो उसकी क्यू क्योंकि प्रकृति क्या होगी, कोई प्रकृति नहीं होगी जब इसमें लिखा ही नहीं आ सकता है, समझ गए ना, तो ये आपके परमेय संख्या हो गई। अच्छा ये बताइए मैंने ये पाई का जो मान था उसको थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश क्यों की थी, यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यार कि सारी अपरमेय संख्याएं ऐसी नहीं है कि जिसमें पैटर्न ना बनता हो, यहां पर देखो आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक जीरो है फिर दो बार जीरो है फिर तीन बार जीरो है, यानी कि बहुत सारी अपरमेय संख्याएं ऐसी भी होंगी जिसमें यह पैटर्न बन रहा होगा, ठीक, यहां पर पैटर्न बन नहीं रहा है, लेकिन दोनों में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि दोनों ही अशांत है, ये भी अशांत है, ये भी हमेशा चलता रहेगा, ये भी अशांत हो गया, दोनों ही अनावर्ती हैं, वही सेम डिजिट रिपीट नहीं करेंगे, एक पैटर्न हो सकता है लेकिन वो सेम डिजिट रिपीट नहीं करेंगे, और यहां पर तो वो भी नहीं है, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप बता पाओगे कि इसका, अगर आप मुझसे पूछते हो, मान लीजिए आज आपने मुझसे पूछा कि इसका दस लाखवां है ना, सोचिए कितनी बड़ी सीरीज बनेगी, दस लाखवां डिजिट, यानी कि क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं डिजिट को, अंक कौन सा होगा, मैं 5 मिनट कैलकुलेशन करूंगा मैं आपको बता दूंगा, उतना भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि तो मुझे पैटर्न दिख रहा है कि अच्छा ये आ रहा है ऐसा आ रहा है फिर ऐसा आ रहा है ऐसा आ रहा है, तो 10 लाखवां अंक कौन सा होगा मैं बता पाऊंगा, तो एक पैटर्न है मैं इसीलिए बता पा रहा हूं, लेकिन इस पैटर्न में अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि 10 लाखवां अंक कौन सा होगा, दोनों ही अपरमेय हैं, दोनों ही अनावर्ती हैं, दोनों ही अशांत हैं, अशांत भी हैं, अनावर्ती भी हैं, अपरमेय भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दोनों में अंतर है, इस अंतर को आप समझ पाओगे तो आपको मजा आ जाएगा, नहीं समझ पाओगे तो थोड़ा कम मजा आएगा, कम मजे से भी बहुत सारे लोग काम चला लेते हैं जीवन में, आप भी चला लीजिए, है ना, तो कुल मिलाकर क्या ये हुआ है कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही डिटेल में सब कुछ सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए खत्म किया है, ठीक, सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर डाले हैं, थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, और हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, अब बस वो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, हम इसका रिविजन भी कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट, तो हम वो वाले क्वेश्चन कर लेंगे, खुद भी सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों को भेजिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा फायदा होगा, आप और लोगों को वीडियो भेजेंगे तो शायद उनका भी फायदा होगा, तो सबका फायदा करते रहिए, कर भला तो हो भला, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।